हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप डिजिटल सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर करना भी बहुत ही आसान है। आपको प्रिंट आउट नहीं निकालने की जरूरत है, प्रिंट आउट निकाल के आपको साइन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। और ये सिग्नेचर जो है एकदम एक्चुअल लगेगा कि एक्चुअल साइन किया हुआ है। कैसे करना है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। अभी साइन करने के लिए आपको पहले क्या करना है, लेटर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको इसको सेव एज पीडीएफ कर लेना है। तो आपको फाइल में जाना है। बेसिकली फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इसको सेव करना है और इसको करना है पीडीएफ में। हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे सेव करना है। सेव करने के लिए मैं इसको NOC 1 कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा पीडीएफ में। पीडीएफ सेलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अभी फाइल में जाके देखेंगे कैसे सेव हुआ है। ये रहा फाइल, मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये लेटर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अभी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे बेसिकली मुझे साइन लाना है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली साइन पे क्लिक करूंगा पीडीएफ में। साइन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाता है प्लेस सिग्नेचर। तो प्लेस सिग्नेचर पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैं यहाँ पे जैसे ही कर्सर को साइन के यहाँ पे लाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन आ चुकी है और साइन एकदम रियल की तरह आ रही है। अभी कैसे आ रही है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस साइन को मैंने यहाँ पे कैसे लाया, तो आप यहाँ पे साइन ला सकते हैं। वापस दूसरी साइन करनी है, वापस प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए और वापस आप यहाँ पे जो है साइन लेके आ सकते हैं। ये देखिए वापस आ गया। फिर वापस प्लेस सिग्नेचर करना है, वापस प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए, एक और साइन आ गया। तो जितनी चाहे साइन आप कर सकते हैं, जितने भी पेजेस है सारे पेजेस पे आप जो है साइन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये साइन में लाया कैसे, तो आपको क्या करना है, जिस पर्सन का आपको साइन चाहिए उसको बोलना है कि आप एक ब्लैंक पेपर पे साइन कीजिए, उसका फोटो क्लिक करिए और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। तो जैसे ही वो फोटो सेंड करेंगे तो आपको कुछ फोटो ऐसा देखने को मिलेगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कुछ लेंथ इसका बड़ा है, आजू बाजू कुछ लेटर्स आ रहे हैं उस फोटोज में, तो आपको क्या करना है, उसको पहले क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए आपको राइट क्लिक करके बेसिकली ओपन विथ करना है एंड पेंट में ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेंट में मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, जो अनवांटेड एरिया है वो आपको क्रॉप कर लेना है। फॉर एग्जांपल ये वन ऑन मैं अनवांटेड एरिया जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने, मुझे सिर्फ इतना ही एरिया चाहिए। तो मैं क्रॉप पे क्लिक करूंगा और ये इतना एरिया आ गया। मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल एस। जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा ये सेव हो गया है, ये यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है remove.bg, जो कि रिमूव बैकग्राउंड करके भी सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस पर डाउनलोड पे जाना है और डिजिटल सिग्नेचर जहां पे आपने सेव किया है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड उसका बैकग्राउंड भी ये रिमूव करके आपको दे देगा। देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा रिमूव हो गया है। इसको अब आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इसको उस फोल्डर में सेव कर लेते हैं जहाँ पे हमको बेसिकली मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे मुझे सेव कर लेना है इसको। तो मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद कंट्रोल एक्स करके हम लेके जाएंगे फोल्डर में जो कि है डिजिटल सिग्नेचर, और यहाँ पे हम कर देंगे कंट्रोल वी। इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे ना कैसा दिखता है, तो आप देख सकते हैं ऐसा दिख रहा है। अब इसको बेसिकली मुझे पीडीएफ में अटैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, पीडीएफ में जाऊँगा वापस से, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस सिग्नेचर जो है ना इस पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, प्लेस सिग्नेचर यहाँ डॉट है इस पर क्लिक करूँगा एंड क्लियर सेव सिग्नेचर कर दूंगा। मतलब जितने भी सेव सिग्नेचर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी मुझे क्या करना है, प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक करना है। ठीक है, फ्रेश कर रहा हूं मैं। प्लेस सिग्नेचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपको क्या करना है, यूज एज इमेज करना है। आपको क्लिक करना है यूज एन इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोल्डर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे और आपको वो जो पेज आपने किया था ना उसको आपको बेसिकली सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने डाउनलोड में सेव किया है इसको। डाउनलोड में सेव करने के बाद डिजिटल सिग्नेचर में सेव किया है और ये रहा,
इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूंगा, ये साइन कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, आपको सीधा एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए साइन आ गया है। अब आपको जहां पे साइन करना है वहां पे ले जाइए और क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो साइन को थोड़ा सा रोटेट भी ऐसा कर सकते हैं। आप साइन को चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हैं, वापस यहाँ बीच में ला सकते हैं। तो देखिए एकदम रियल साइन की तरह लगता है, ऐसा लगता है कि रियल साइन किया हुआ है। वापस अगर कोई दूसरा पेज है उस पर भी साइन करना है, सीधा प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक करना है, साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर वापस साइन करना है दूसरे पेज पे, प्लेस सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए, साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे साइन जो करने हैं वो फटाफट आप साइन कर सकते हैं, कितने भी पेज हैं आप फटाफट साइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे साइन करना है डिजिटली। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए ट्रिक्स जानने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।